नंगा पुंगा कर दिया। नंगा पुंगा कर दिया। क्या है रवि ये? मैजी बोल। चलूंगा। जी को कहाँ बिठा दिया? पापा के मोटरसाइकिल में। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू अ न्यू अनदर व्लॉग। सो कैसे हो फ्रेंड्स आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो आज का जो व्लॉग है वो मैं इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ एंड अभी बज रहे हैं शाम के 4। एंड आज का व्लॉग मैं अपने चिलको जैसे प्यारे भाई रवि के साथ स्टार्ट कर रही हूँ। 2 दिनों से ना फ्रेंड्स मैंने कोई भी व्लॉग जो है वो अपलोड नहीं किया है एंड इसके कारण आप सभी के भी काफी ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि आप सब भी मेरे इस चिलको जैसे प्यारे भाई रवि को मिस कर रहे हैं एंड हम सब ने भी आप सभी को काफी ज्यादा मिस किया। तो चलिए फ्रेंड्स आज के व्लॉग में आप एंड तक बने रहिए क्योंकि आज का व्लॉग ना क्या होने वाला है बाबू? एंथनी। अरे कहना क्या चाहते हो? एंट्रिंग बोल रहे हैं फ्रेंड्स इंटरेस्टिंग को। सेम टू सेम है। हाँ। तो चलिए फ्रेंड्स बिना किसी देरी के आज के अपने इस प्यारे से व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सो अभी रवि और आरती आज के स्पेशल डिनर की तैयारी कर रहे हैं और आज डिनर में क्या स्पेशल बनने वाला है आरती? आलू की कचौड़ी और तड़का। यस फ्रेंड्स आज बनेगा रवि के फेवरेट आलू कचौड़ी और तड़का। तो रवि सबसे पहले आलू को क्या करेंगे? बॉईल करेगा। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। ये क्या कर रहा है? धो रहा है या मुझे बिगाड़ रहा है? रवि जितना काम नहीं करता है ना उतना मस्ती करता है ना रवि? अरे आलू धो रहा है ये मस्ती कर रहा है सब देख रहे हैं। अभी मम्मी आलू कचौड़ी का डो तैयार कर रही है। क्या क्या लिया है मम्मी? आटा और मैदा लिया है फ्रेंड्स। दोनों को मिक्स कर देंगे और डो तैयार करेंगे। और सबसे पहले आटा और मैदा दोनों को मम्मी चाल रही है क्योंकि चाल कर ही खाना चाहिए फ्रेंड्स। छोटे वाले जो कीड़े हैं वो हो जाते हैं बरसात के दिनों में। काला जीरा डालेंगे। हाँ फ्रेंड्स अब इसमें डालेगा काला जीरा और मम्मी ने डाला अजवाइन यानी जवाइन भी बोला जाता है हमारे यहाँ। और इसके बाद इसमें डाल रहा है स्वाद अनुसार नमक। मम्मी इसमें फिर क्या डाला? फॉर्चून तेल डाला फ्रेंड्स ताकि कचौड़ियाँ जो है वो थोड़ी क्रिस्पी बने। फॉर्चून का तेल डालने से ना कचौड़ियाँ जो है वो थोड़ी क्रिस्पी बनती है ना मम्मी? वे मम्मी डो जो है वो तैयार कर लेगी। पाव भाजी। लगता है ये पागल हो गया। ए पागल पाव भाजी नहीं बनाना है यहाँ पे आलू को बॉईल करना है। चलो सब आलू को डालो एक एक करके। अब मैंने कुकर लगाया, मैंने खोला, मैंने डाला। सारे डाल दो? नहीं। सारे डालना, पेटू राम की तरह ठूस मत लेना कच्चा आलू। ढक्कन लगा दिया फ्रेंड्स। ढक्कन, ये वाला ढक्कन लगेगा, ढक्कन कहीं का वो वाला ढक्कन नहीं लगता है। चलो रखो। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। वो क्या है? कुकर का ईंधन यहाँ लग है। क्या है, नाम क्या है उसका? सीटी से बचता है। मैंने ढक्कन लगाया। ढक्कन, ये पहले पानी इसमें डालेगा तब ना ढक्कन लगेगा। कैसे आलू बॉईल होगा, अकल है कि नहीं? रवि जितना काम नहीं करता है उतना ज्यादा शरारत करता है ना रवि? सारे डालो सारा। सीटी लग गया, अब इसको पकाएंगे। पागल रख दो, उसे नहीं होने वाला है समझा? मम्मी को बुलाओ। रवि तो आधा अधूरा काम छोड़कर चला गया फ्रेंड्स। तो अभी मम्मी आलू को बॉईल कर देगी। आरती तुम्हारे आंखों में आंसू कैसे आ गए? प्याज के कारण। सो अभी आरती काट रही है तड़के के लिए प्याज टमाटर और हरी मिर्च। मैं ही काटने वाली थी फ्रेंड्स लेकिन इसने कहा कि मैं ही काटूंगी तो मैंने भी इसे कहा कि काटो, तुम्हें ज्यादा काम करने का मन कर रहा है तो। ये हमारे पड़ोस के घर की बच्ची एंड इसका ना बहुत ही फनी नेम है टुक 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 टुक। जितना मुझे इस प्याज ने रुलाया उतना किसी ने नहीं रुलाया। नहीं। इस प्याज ने जितना रुलाया है ना फ्रेंड्स उतना किसी और ने नहीं रुलाया है ना आरती? गजब बेइज्जती है। और भाई हमारे आलू जो है वो बॉईल हो चुके हैं एंड गरम है तो अब इसे छीला जाए। उससे पहले मैं आप सभी को सर्कस का एक करतब दिखाती हूँ। दो आलू से
तो आराम से हो जा रहा है। चलिए देखते हैं तीन आलू से होता है कि नहीं। कैसे करूं समझ नहीं आ रहा है। म्यूजिक देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। भाई कर्तव्य नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी काम करते हैं, आलू को छीलते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने अपने सारे आलुओं को छील लिया है, आलुओं के कपड़े उतार दिए और सभी को नंगा पुंगा कर दिया। नंगा पुंगा कर दिया, तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। अब मैं बनाऊंगी इस गिलास से आलुओं का कचुंबर। घर बसा नहीं कि लुटेरे आ गए। मैंने यहाँ पर आलू को अच्छे तरीके से मैश करके रखा नहीं कि रवि जो है पेटू राम रवि ले गया खाने के लिए। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो अभी मम्मी जला रही है हमारा ये गांव का बिल्कुल देसी चूल्हा एंड इसी में बनेगा ना मम्मी। मौसम जो है ना फ्रेंड्स काफी ज्यादा खराब हो चुका है, चारों ओर अंधेरा हो गया है, लग रहा है फिर से बारिश होगी। सुबह से तो जोरदार बारिश हो ही रही है, फिर से लग रहा है कि बारिश आने वाली है। सो भाई ये देखो मेरे घर की सबसे ज्यादा काम करने वाली बच्ची को। फ्रेंड्स मैंने इसे कहा था कि मुझे आलू को मैश करके रखने दो, इसके बाद मैं आकर पेस्ट बनाऊंगी अदरक लहसुन और हरी मिर्च का, लेकिन इसे काम करने में बहुत ज्यादा मजा आता है इसलिए दीदी के आने से पहले ही खुद काम करने लगी ना आरती। मुझे पीसने में बहुत मजा आता है। मजा आता है और इसलिए लग गई अपने काम में ना। रवि किसी के साथ क्या कर रहा है, छोड़ दो उसे। जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स रवि ने किटी को कहाँ बिठा दिया, पापा के मोटरसाइकिल में। इसे घुमाने ले चलो, लेगेगा? चलो पापा को बुलाओ, जाओ बोलो पापा चलो किटी को घुमाने ले चलते हैं ठंडी ठंडी हवा में, इसे भी अच्छा लगेगा मोटरसाइकिल लेकर। बोलो कहा पहुँच गई दिन भर ना फ्रेंड्स। रवि इसी तरह किटी के साथ खेलता रहता है और किटी भी बहुत ज्यादा मस्ती करती है रवि के साथ। तो फ्रेंड्स ये देखिए रवि के पास क्या है, क्या है रवि? ये मैजिक बॉल। मैजिक बॉल रवि से जीन निकलेगा क्या? नहीं। रवि के अंदर सरप्राइज है। सरप्राइज है? चलो मैं खोल के दिखाता। खोल के दिखाएगा? तो अभी रवि करेगा इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग। रवि तैयार है इस डब्बे को खोलने के लिए। सो 3 2 1 ये जादुई डब्बे से अब क्या निकलेगा रवि दिखाएगा। न्यू चप्पल। रवि के जादुई बॉक्स से निकला है जादुई चप्पल। भाषण कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी जादुई चप्पल नहीं है फ्रेंड्स, नॉर्मल चप्पल है। एंड कौन खरीद दिया बाबू ये? पापा। यस फ्रेंड्स रवि ना काफी ज्यादा जीत कर रहा था क्योंकि रवि का जो चप्पल है ना वो टूट गया था, इसलिए पापा ने उसे नई चप्पल जो है वो ला कर दी। रवि का डब्बा तो खाली हो गया फ्रेंड्स, बिल्कुल उसके दिमाग की तरह। तुम्हारा दिमाग खाली है ना? नहीं नहीं भरा है। भरा है रवि का दिमाग, भरा है। क्या क्या निकला रवि इस डब्बे में? चप्पल और पोछा। ये है रवि का पोछा और इससे ना रवि पूरे घर में पोछा लगाएगा। लगाएगा कि नहीं? नहीं लगाएगा, तुमसे लगवाऊंगी। रवि ना फ्रेंड्स बहुत ज्यादा खुश है पापा से न्यू चप्पल पाकर। वैसे ना रवि दिन भर घर में ऐसी ऐसी शरारत करता है जिससे मम्मी पापा से इसे चप्पल खाने को मिलते हैं। ऐसे ऐसे मिलते हैं कि नहीं? चुप हो जा सातवीं फेल। तुमको मिलते हैं? मुझे नहीं मिलते हैं, इसको मिलते हैं क्योंकि यही ज्यादा शैतानी करता है घर में। सीक्रेट खोल दिया मेरा। तो ये रहा रवि मूंछी वाला जो चप्पल की दुकान खोला है। ये है रवि के पुराने चप्पल जो टूट गए थे फ्रेंड्स, और ये है रवि के नए चप्पल। पुराने
प्रॉमिस किया है कि जब तक ये चप्पल जो है चलेगा, ये चलाएगा, पहनेगा इसे। अभी पहन के दिखाता हूँ उठकर। अभी पहन के दिखाएगा रवीना। फ्रेंड्स, इस चप्पल को नई नवेली दुल्हन जैसा रखना चाहता है, इसलिए पहले ना नीचे जो है एक बोरा बिछा लिया है ताकि इसके चप्पल गंदे ना हो। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? नहीं पहनने सक रहा है, एक काम नहीं होता इस गधे से, सब मुझे ही करना पड़ता है। रवि ने न्यू चप्पल पहन लिए हैं एंड रवि के पैरों में काफी ज्यादा जच रहे हैं। आप सभी को रवि के नए चप्पल कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। ये देखो एक पागल को जो एक जोड़ी चप्पल हाथों में और एक जोड़ी चप्पल पैरों में पहन कर डांस कर रहा है। जितना प्यार रवि अपने चप्पल को दे रहा है ना, उतना प्यार मुझे कभी नहीं दिया है। ये देखिए चप्पल को किसी ले रहा है, पागल हो गया क्या? रख दो ची 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 ची, चप्पल को किसी ले रहा है, ची ची ची। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? A few moments later. अब किसकी तैयारी हो रही है मम्मी? तड़के की। और ये कौन सा दाल है? बूट दाल है फ्रेंड्स, यानी चना का दाल, और इसी का आज तड़का बनेगा। तो मम्मी इसे सबसे पहले बॉईल कर लेगी कुकर में। हमारी सारी आलू कचौड़ियाँ बनकर रेडी हो गई थी एंड इसके बाद मम्मी ने थोड़ी बहुत रोटियाँ भी बना ली। एंड इसके बाद फ्रेंड्स मम्मी ने बिल्कुल गांव के देसी स्टाइल में बहुत ही सिंपल तरीके से चने दाल का जो तड़का था वो भी बना लिया। सो बस यही था आज का हमारा सिंपल सा डिनर। एंड फ्रेंड्स आलू कचौड़ियाँ और तड़का ना काफ़ी ज़्यादा यम्मी बनी थी, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था। फ्रेंड्स ये है नेक्स्ट डे और अभी मॉर्निंग का समय हो चुका है। कल क्या हुआ ना, कल हम सब ने रात को डिनर वगैरह किया एंड इसके बाद मुझे इतना ज्यादा थकान हो गई ना कि मैं सो गई, वीडियो भी एडिट नहीं कर पाई। सो आज सुबह जस्ट मैंने वीडियो एडिट की। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कि आप सभी को आज का हमारा ये प्यारा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना। और हाँ फ्रेंड्स, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट क्या कर रहे हो, तक ब्लॉग देख ही लिया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। तो चलिए फ्रेंड्स मैं मिलती हूँ आप सब से कल इसी टाइम में दोपहर 12 बजे एक न्यू इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।